नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल हिंदी गुरु जी में। फ्रेंड्स, आज हम कैसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा रैंक कितना है, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो फ्रेंड्स, जिनकी 15-20 हज़ार करीब रैंक है उनको कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं। कमेंट्स आ रहे थे फ्रेंड्सों के कि सर गवर्नमेंट कॉलेज हमारा इतना रैंक है 15,000-20,000, तो हम कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में यही बताने वाले हैं कैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। तो फ्रेंड, बताने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप नोटिफिकेशन थ्रू सबसे पहले पहुँच सके। फ्रेंड्स, मैं UPBED की सारी अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। कब काउंसलिंग होगी, कब रिजल्ट आया, कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा, मैं सब आपको बता दूंगा। जब भी काउंसलिंग होगी मैं आपको वीडियो माध्यम बता दूंगा, तो जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी के रैंक 5,000 तक है, 5,000 से कम 5,000 तक हो, उनको तो फ्रेंड गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स बात करें कि इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, ऐसे अगर चाहें तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ शहर सिटी में मिल जाएगा। लेकिन अब हम बात करें कि अगर जिनकी 10,000 रैंक है, 15,000 रैंक है, 10 से 15,000 के समथिंग में रैंक है, उनको कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप जो है थोड़ा शहर से हटके जो शहर में है, जैसे कि मान लीजिए लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, यहाँ पर आप अपना कॉलेज जब चूज़ करेंगे, वो फ्लिप करने को आएगा कॉलेज चूज़ कीजिए, तो वहाँ पर आप कॉलेज को चूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपके रैंक जो है ज़्यादा है इसलिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ का नहीं मिलेगा। और फिर जब आप कॉलेज चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, अच्छे रैंकिंग कॉलेज नहीं दिया जाएगा। तो आप जब कॉलेज चूज़ करें तो थोड़ा रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जो है, जैसे मान लीजिए किसी शहर है जैसे लखनऊ से हटकर उन्नाव, वहाँ पर लखनऊ से हटकर जो शहर है जैसे किसी इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ हो गया, इन शहरों से हटके जो गांव की तरफ के लिए कॉलेज बने हुए हैं गवर्नमेंट, उनमें आप अप्लाई कीजिए, वहाँ पर आपका नंबर आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ का मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है अच्छी रैंकिंग वाले बच्चे शहर में कुछ जाते हैं और जो है वहाँ पर नहीं जाएंगे, तो आपको वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल सकता है। और फ्रेंड, हम बात करें कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज, आप सोचें कि हम गवर्नमेंट कॉलेज ले लें, वहाँ का रूरल एरिया का दूर है तो हम कॉलेज नहीं जाए, लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता दूँ कानून जो है बहुत सख्त हो चुका है, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप रूरल एरिया में मिल भी जाता है तो आपको कॉलेज में जाना है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते तो बात अलग है, क्योंकि वहाँ पर जो है कॉलेज में जान पहचान जो आपका हो जाता है तो थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जाना कंपलसरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी बात मानिए, जब कॉलेज आप फ्लिप करें तो आप रैंकिंग 15-10-15 के समथिंग में है, तो आप जो है शहर से हटके जो कॉलेज हैं गवर्नमेंट, उनमें आप फ्लिप कीजिए, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही बताने जा रहा था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अगर कोई भी कमेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम है, सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहूँगा कि मैं वीडियो की जो कमेंट्स आते हैं, मैं फ्रेंड ज़्यादा कमेंट नहीं, रिप्लाई नहीं दे पाता, तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपनी फेसबुक लिंक दे दूंगा, वहाँ से फेसबुक लिंक पर जाकर आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मेरे पेज बनाए फेसबुक इसी चैनल टेक्निकल हिंदी गुरुजी नाम से, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।